नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। अनंतनाग में जो बेगुनाह मारे गए उनके मातम को क्या नाम दूं, क्या कहें? कुछ मुसलमानों ने 7 हिंदुओं को मार डाला और 19 को जख्मी कर डाला। नहीं, कतई नहीं। हिंदू मुसलमान का चश्मा उतार कर देखें तो पता चलेगा कि हैवान तो इस्माइल था जो सरहद के उस पार से आया था, और फरिश्ता वो सलीम था जो हमारा अपना था, जिसने अपनी जान पर खेलकर 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बचाया। और याद रहे कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा ज्यादा बड़ा होता है। जो भी इसमें मुलावस है, मेरे ख्याल में वो मुसलमानों के नाम पे, कश्मीर के नाम पे उन्होंने आज बहुत बड़ा दब्बा लगा दिया, और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाना हमारा काम है। बाइक लेके आया और राइट से गोलियां चलाना चालू कर दी, और मैं गाड़ी बजाना ही चालू रखा जब तक कैंप नहीं आया। इलेक्ट्रिक कैंप 2 किलोमीटर के बाद आया, फिर मैं उधर कैंप में खड़ा किया। बाबा ने हिम्मत दे दी इसके लिए, चल पड़े। मालिक ने हिम्मत दे दी, बस चलते रहा। इस मातम का कोई नाम नहीं, नाम में मजहब न ढूंढो, क्योंकि हम में भी वो है, तुम में भी वो है। बस तुम जिस रास्ते पर चलकर उसे ढूंढना चाहते हो, उस रास्ते पर सिर्फ तुम्हें शैतान मिलेगा। खुदा तो उस रास्ते पर चलकर मिलता है जिस रास्ते पर सलीम चला, इंसानियत के रास्ते पर। वो इंसानियत जो इंसान को इंसान समझने में, दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालने में है, दूसरों की जान बचाने में। हां, वही इंसानियत जो सलीम को उसके मजहब ने सिखाया। मगर तुम उस मजहब से नहीं जिससे सलीम आता है, और ये भी हम तुम्हें लिख कर दे सकते हैं कि तुम आतंकी तो हो सकते हो मगर मुसलमान नहीं। अमरनाथ पर हुए बेहद दर्दनाक हमले ने यह फर्क समझा दिया है कि हैवान कौन और मुसलमान कौन। एक वो थे जो अमरनाथ से वापस आ रहे बेगुनाह श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर रहे थे, और दूसरा वो था जो अपनी जान जोखिम में डालकर श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से बाहर निकाल रहा था। आतंकवादी भी तो कहने को मुसलमान ही थे, लेकिन इस्लाम और मुसलमान के असल मायने क्या होते हैं, ये पता चला इस आतंकवादी हमले की जगह यानी अनंतनाग से 2000 किलोमीटर दूर गुजरात के वलसाड से आए एक दूसरे मुसलमान की बदौलत। इत्तेफाक ही था कि हाथों में बंदूक लिए जो आतंकवादी हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां चला रहे थे, उस बस को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था। नाम है सलीम शेख। लेकिन आतंकवादियों की सोच और गंदी ज़हनियत के उलट सलीम को इस्लाम और मुसलमान होने के सही मायने का पता था, और शायद तभी इस आतंकवादी हमले के दौरान उसने वो काम किया जो किसी भी इंसान का फर्ज था। उसने खुद अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और गोलियों की बौछार के बीच पूरी दिलेरी और जांबाजी के साथ अपनी बस चलाता रहा, और तो और हमले के दौरान एक बार फिर से बस का टायर पंक्चर हो गया, लेकिन सलीम शेख ने बस नहीं रोकी और करीब 1.5 किलोमीटर तक उसी हाल में अपनी बस दौड़ाता रहा जब तक वो आतंकवादियों की पहुंच से बाहर नहीं निकल गए। सेक्रेटरी नौकरी करता हूं सर, वो मेरे सेट के लड़के वो डबा डब फोर चालू हो गया गोलीबारी। आप गाड़ी के कंडक्टर हैं? हाँ। अच्छा। और मेरे सेट के लड़के ने बोला भाई जुड़ चले, एक तो खून बुन सब लटपट थे हम लोग,
उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो, तीन चार जन अंदर दौड़ के आ रहे थे, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आगे नहीं गिनी, आगे पीछे सामने से सभी जगह से गोलियां चल रही थी, तो गिनने को कौन बैठेगा, कोई गिर गया, कोई बुमा बुम करने लगे जोर जोर से, कहाँ गिनेगी, एक साथ में ही फटाके फोड़ने लगी थी। हमारे ड्राइवर को लगा नहीं ना, इसीलिए उसने गाड़ी एकदम भगा दी और आगे 2-3 किलोमीटर जाके ठहर, फिर आजू बाजू के लोग थोड़े आए, तब तक तो पुलिस की फौज भी आ गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर सोमवार को सलीम ने आतंकवादियों के सामने अपनी जिदारी का मुजाहरा नहीं किया होता तो आज शायद इस हमले में मरने वालों की तादाद कहीं और भी ज्यादा होती, लेकिन सामने से चलती गोलियों के बीच वो अपना सिर झुकाकर लगातार बस चलाता रहा और न मालूम कितने और लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब रहा। जम्मू कश्मीर से दूर गुजरात के वलसाड में इस हमले का शिकार हुए बस के ड्राइवर सलीम शेख के घर एक अजीब सा माहौल है। एक तरफ तो उन्हें इस बात का सुकून और गर्व है कि उनका अपना सलीम इस हमले में न सिर्फ सही सलामत बच गया, बल्कि उसने अपनी बस भगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने की भी कोशिश की। लेकिन इस हमले में जो लोग मारे गए उनके लिए इस परिवार के दिल में एक अनकही दर्द। उधर सलीम की मां की तरह ही अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अब भी बहुत सी माओं और बहनों के दिल में सलीम के लिए बस दुआएं ही दुआएं हैं। सचमुच अगर हमले के वक्त सलीम ने अपनी बहादुरी नहीं दिखाई होती तो शायद आतंकवादियों की इस करतूत का अंजाम कहीं और भी ज्यादा भयानक होता। अनंतनाग से शुजाउल ठाकुर के साथ कमलेश सुतार, वलसाड आज तक। बेगुनाह और निहत्थे श्रद्धालुओं पर हुई आतंक के गोलियों की बौछार के बीच ऐसी ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आई कि देखने वालों का कलेजा फट गया। कहीं खून से लथपथ लोग जान बचाने के लिए ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे थे, तो कहीं कोई बस की सीटों के नीचे दुबक कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमले के बाद जब सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अस्पताल में जख्मियों का हालचाल लेने पहुंची तो दर्द में लिपटी इन कहानियों को सुनकर खुद पर काबू नहीं रख सकी। ये न इस्लाम है, न जहाद है, न आजादी है, न सियासत है, अगर ये चीज है तो हम जैसे लोग तो नहीं है। बेगुनाह तीर्थयात्रियों पर हुई अंधाधुंध गोलियों की बौछार ने जैसे हर किसी को झकझोर दिया है। क्या अपने इरादे और अपनी सोच को किसी पर लादने का यही एक तरीका हो सकता है कि कोई यूं भोले भाले निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाए, इंसानियत की तमाम हदों से नीचे गिरकर उनकी जान लेने की कोशिश करें। ऐसे आतंकी हमले का अंदेशा तो खैर देश की सुरक्षा एजेंसियों को अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के पहले से ही था, लेकिन इतनी सुरक्षा के दावों के बीच ये सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाएगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। शायद तभी खुद सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जब अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंची तो खून से सने बेगुनाहों की हालत देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकी, फपक फपक कर रोने लगी। आज का जो वाकया हुआ है इससे हम सब कश्मीरियों के लोग लोगों के सर शर्म से झुक गए। एहतियात बरतने के दावे तो बहुत थे मगर इस हमले ने मानो सारे दावों की पोल खोल दी, वरना बाइक पर आए आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं को यूं निशाना न बनाया होता। सोमवार को गुजरात के तीर्थयात्रियों से भरी एक बस श्रीनगर से कटरा की ओर बढ़ रही थी, तभी रास्ते में जैसे ही ये अनंतनाग के बाटिंगू के पास पहुंची बाइक पर आए आतंकवादियों ने बस पर सामने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फिर तो ऐसा कोहराम मचा जिसके बारे में बयान करना भी मुश्किल है। दूर दराज से आए बेगुनाह लोग और खासकर महिलाएं आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बनकर तड़पने लगी, चीखने लगी और बस का ड्राइवर
किसी तरह अंधाधुंध फायरिंग के बीच से बस को निकालकर दूर ले जाने की कोशिश में जुटा था। उधर दर्द में लिपटी हमले की यह खबर जब जम्मू कश्मीर से दूर गुजरात और महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं के घरों तक पहुंची तो वहां भी मातम पसर गया। तो 9 बजे फोन नहीं लग रहा था, कवरक क्षेत्र से बाहर आ रहा है, तो हम लोग परेशान हो गए क्योंकि बाद में 2-3 बात के हम लोग को मालूम पड़ा तो व्हाट्सएप पे और न्यूज देखने लगे। बहरहाल इस हमले के बाद अब सरकार एक बार फिर से सुरक्षा की कमियों का जायजा लेने में जुट गई है। आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है और हमले में जख्मी हुए और अपनों को गंवा चुके लोगों के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश भी की जाने लगी है। लेकिन ऐसे हमलों का हल आखिर क्या है, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी और अनंतनाग से शुजाउल हक ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। अब कहानी उस दिलेर ड्राइवर की जो अनंतनाग में फरिश्ता बनकर सामने आया। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले में गोलीबारी के बीच लोगों ने एक ऐसे फरिश्ते को देखा जिसने अपनी सूझबूझ से 50 जिंदगियों को आतंकियों का निशाना बनने से बचा लिया। और इस फरिश्ते का नाम है सलीम शेख। सलीम उसी बस का ड्राइवर है जिस पर सोमवार की रात आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन अंधाधुंध गोलियों की बौछार के बीच सलीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस तरह से बस में बैठे श्रद्धालुओं की जान बचाने की कोशिश की उस पर आज पूरे देश को नाज है। ये सलीम शेख हैं, पेशे से ड्राइवर लेकिन दिलेरी की ऐसी मिसाल जिस पर देश गर्व कर रहा है। सलीम शेख ने दिखा दिया है कि बचाने वाला मारने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सलीम उसी बस का ड्राइवर है जिस पर सोमवार की रात आतंकवादियों ने हमला किया था। अंधाधुंध गोलियों की बौछार के बीच सलीम ने जैसा हौसला दिखाया उस पर किसी को भी नाज हो सकता है। अंधेरा हो चुका था, अनंतनाग 2 किलोमीटर बाकी था, उस जगह पे हमला हुआ। अंधेरे में इतनी फायरिंग जबरदस्त, इतनी फायरिंग चली, 50-60 गोलियां चली, पूरे गाड़ी के शीशे टूट गए, अंदर से सब चिल्लाने लगे, गाड़ी रुकाओ, रोने लग गए। मैं बस नहीं रुकाया, मैं चलता ही रहा मिलिट्री कैंप, मेरे को जहाँ मिला 2 किलोमीटर के बाद मिलिट्री कैंप में रुकाया, उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने तुरंत हमारी हेल्प की। सलीम की हिम्मत की हर कोई सराहना कर रहा है, एक नायक की तरह उसका स्वागत कर रहा है। मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। सलीम शेख से सुनिए कि अनंतनाग में तीर्थयात्रियों से भरी बस कैसे आतंकी हमले का शिकार हो गई। पंचर गिरने की वजह से मिनिमम 2-3 घंटा लेट हो गए, तो हमारे साथ की जो 3-4 गाड़ियां थी वो निकल गई थी, मिलिट्री की गाड़ियां भी 2-3 थी वो निकल गई थी। हम लोग अनंतनाग आते हुए हमारे को 8 सवा 8 हो गए। वो इस्माइल भी मुसलमान है जिसने तीर्थयात्रियों पर हमले की साजिश रची, और ये सलीम शेख भी मुसलमान है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर कई परिवारों को गम के समंदर में डूबने से बचा लिया। ये खबर सुनी जब मेरे को पहले थोड़ा दुख हुआ क्योंकि इतने यात्री मारे गए, लेकिन उसने बाकी के लोगों को बचाया, इसके लिए मेरे को गरूर महसूस हो गया। सलीम शेख के लिए अमरनाथ का सफर पहला तजुर्बा नहीं था, ये उसकी चौथी यात्रा थी, लेकिन इस बार किस्मत ने उसके लिए कोई और कहानी लिख रखी थी। सलीम शेख की बस पर हमला हुआ, बस की टायर पंक्चर हो गई, लेकिन वो सिर झुकाकर बस भगाता रहा। तो वो बाइक लेके आया और राइट से गोलियां चलाना चालू कर दी, तो मैं गाड़ी भगाना ही चालू रखा जब तक कैंप नहीं आया। मिलिट्री कैंप 2 किलोमीटर के बाद आया, फिर मैं उधर कैंप में खड़ा किया, कैंप वालों ने हमारी मदद बहुत की। सलीम जैसा बहादुर सम्मान का हकदार है क्योंकि इसने दिखा दिया है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। हम उस हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं जिसने न सिर्फ अपनी बहादुरी और हिम्मत के साथ खुद की जान बचाई बल्कि उन 51 लोगों की जान भी बचाई जो उस वक्त बस में सवार थे। ड्राइवर सलीम को अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि वो उन 7 लोगों की जान नहीं बचा पाया जो आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, सूरत
आज तक। कौन है अनंतनाग का हैवान? अमरनाथ हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर इस्माइल नाम के आतंकवादी का चेहरा सामने आया है, लेकिन कौन है ये इस्माइल, कहां से आया, अब तक कहां था? देखिए इस्माइल का पूरा कच्चा चिट्ठा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड इस्माइल ने रची हमले की साजिश। लश्कर आतंकियों ने किया हमला। ये वो शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले की साजिश रची। लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठन में शामिल इस शख्स का नाम है इस्माइल। इसने अपने 3 साथियों के साथ इस हमले को अंजाम दिया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की साजिश आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने रची है। करीब 3 साल पहले वो पाकिस्तान से कश्मीर आया था। इसके बाद उसे साउथ कश्मीर में लश्कर का कमांडर बना दिया गया। वो पंपोर इलाके में रहता है। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद लश्कर आतंकी इस्माइल कश्मीर में सक्रिय हो गया। उसने बैंक और एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया। पिछले साल दिसंबर में सेना के साथ हुए एनकाउंटर में इस्माइल फंस गया था, लेकिन बचकर भाग निकला। सोमवार को गिरफ्तार हुए आदिल के साथ भी इस्माइल के संपर्क थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इरादे बेहद खौफनाक थे। उन्होंने पहले ड्राइवर पर हमला किया ताकि उसे मारकर वो बस में चढ़ जाएं और अंदर बैठे सारे यात्रियों को गोलियों से भून डालें। लेकिन ड्राइवर सलीम बस को तेजी से आगे ले गया, जिसके चलते आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। अगर सलीम ने बहादुरी न दिखाई होती तो मंजर और भी भयानक होता। फिलहाल पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां इस्माइल को लोकेट कर उसे पकड़ने की कोशिशों में जुटी है। पुलिस को आशंका है कि आतंकी इस्माइल अपने साथियों के साथ अनंतनाग कुलगाम के इलाके की तरफ गया है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसे लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।